फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वेलकम टू माय चैनल घर का खाना विद नूरजहान किचन। आज हम बनाएंगे हरे मूंग की सब्ज़ी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे हरे मूंग की सब्ज़ी। हरे मूंग की सब्ज़ी बनाने से पहले शुरू से आखिर तक जो जो काम करने पड़ते हैं, मैं आपको तमाम चीज़ें अच्छी तरह सिखा दूँगी। यानी मूंग को लाकर भिगाना, फिर उसे पानी चेंज करना, और जब तक मूंग की जड़ें नहीं उगती, हम तमाम प्रोसेस आपको अच्छी तरह समझा देंगे। इंशाल्लाह आप ज़रूर समझ जाएंगे। और जब मूंग की जड़ें निकलती है तो वो खाना बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ताकतवर भी। तो बहुत आसान तरीका है, बस याद रखना है हमें कि प्रोसेस क्या क्या है। तो ठीक है, आइए शुरू करते हैं कि हरी मूंग की सब्ज़ी कैसे बनाए और कितने दिन तक उसे जड़ाने के लिए रुके। ठीक है, यहाँ पर मैंने हरे मूंग ली हूँ 250 ग्राम, यानी पाव किलो। इसे अब हम 2-3 पानी से धो के पानी में भिगा के रखेंगे। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, शाम को 8-9 बजे तक मैं इसे ढक के रखूँगी। ठीक है, देखिए अब शाम हो गई है। मैंने इसे खोल के चेक किए तो ये फूल गए हैं। अब हम इसका पानी फेंकेंगे। अब हम पूरा पानी छानने के बाद देखिए इतने मूंग है, फूले हुए हैं, मगर इसे जड़ नहीं निकली है। तो अब हम इसे ढक के रखेंगे 24 से 30 घंटे के लिए, यानी आज की रात से लेके कल की रात होने के बाद दूसरे दिन की जो सुबह होती है तब तक। देखिए अच्छी तरह ये मूंग फूटे हैं, यानी जड़ें निकली है और बहुत ही खूबसूरत भी दिख रहे हैं। इसे अच्छी तरह ढक के रखना चाहिए, ज़रा भी हवा इसमें नहीं जाना चाहिए। मेरी माँ तो कपड़े में बांध के रखते थे, मगर मैं आपको सिर्फ ढक के रखने का तरीका बता रही हूँ। इससे भी अच्छे मूंग फूटे हैं, तो आप भी इस तरह मूंग फोड़ने का काम प्रोसेस पूरा कीजिए। ठीक है, तो अब हम बताते हैं आपको कि इसकी सब्ज़ी हम कैसे बनाएंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पतीली ली हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे और उसे अच्छी तरह गर्म होने देंगे। तेल अच्छी तरह गर्म होने के बाद अब हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा, इसे अच्छी तरह तड़कने देंगे। अब हम डालेंगे 2 चुटकी हींग। हींग डालने से गैस नहीं होगा, मूंग की सब्ज़ी है, मूंग से भी गैस होता है। अब हम डालेंगे 2-3 हरी मिर्ची कटी हुई, ऐसे ही ये डालेंगे, ज़रूरी नहीं, अगर आपको पसंद नहीं है तो मत डालिए। और 4-5 कड़ी पत्ते के पत्ते। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह फ्राई होने देंगे। फिर हम डालेंगे प्याज। यहाँ पर मैंने 2 बड़े प्याज कट करके लिए हूँ, पतले स्लाइस। इसे अच्छी तरह तेल में मिक्स करके, ज़्यादा गुलाबी नहीं करेंगे, मगर थोड़ा गुलाबी होने तक अच्छी तरह फ्राई करेंगे। देखिए आज मैं आपको बगैर नमक के फ्राई करना सिखाऊंगी, क्योंकि हम हमेशा सब्ज़ी में पहले ही नमक डाल देते हैं, तो शायद बहुत लोगों से गलती भी हो जाती होगी, वो भूल जाते होंगे। इसके लिए मैं अभी नमक नहीं डालूँगी। पहले हम ऐसे ही प्याज फ्राई करेंगे और आगे जब तमाम मसाले डालेंगे तब नमक डालेंगे। ठीक है, आपके लिए मैं ये तरीका भी इस्तेमाल कर रही हूँ। देखिए प्याज अच्छी तरह हल्के गुलाबी हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। बहुत अच्छा टेस्ट आता है जब हम मूंग की सब्ज़ी में अदरक लहसुन डालते हैं। इसे अच्छी तरह मिक्स करके कंटिन्यू 2 मिनट तक भूनेंगे, ताकि अदरक लहसुन की तमाम महक पूरी तरह ख़त्म हो जाए। देखिए कंटिन्यू मैं भूनते जा रही हूँ, हो गए हैं 2 मिनट। अब हम इसमें डालेंगे हरी मूंग जो हमने भिगाई थी, अच्छी मूंग फूटी है, उसे 2-3 पानी से धोकर लिए हैं। अब हम उसे पानी निकाल कर थोड़ा थोड़ा डालेंगे।
देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी लग रही है, वाइट वाइट मूंग फूटी है, बहुत ताकतवर होती है ये सब्ज़ी। डाइट में डॉक्टर लोग भी यही खाने के लिए कहते हैं, तो आप उसे तवे पे थोड़ा हल्का फ्राई करके भी खा सकते हो, अगर ये मूंग फूटने का तरीका आपको अच्छी तरह आ जाएगा तो आप इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा मूंग डाल के हम मिक्स करते रहेंगे ताकि प्याज और तेल में अदरक लहसुन का फ्लेवर मूंग के अंदर अच्छी तरह आ जाए। देखिए, इसे अच्छी तरह मिक्स करके कंटिन्यू 1 मिनट तक हम फास्ट फ्लेम पे इसे भुनेंगे, ताकि 2 दिन जो हमने इसे भिगा के रखे थे और जड़ फूटने के लिए 2 दिन रखे थे, तो जो महक होती है उबी हुई वो पूरी निकल जाए। देखिए, इसे अच्छी तरह भुनेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। मूंग को जब तेल में हम फ्राई करते हैं तो बहुत अच्छी खुशबू आती है, इसी तरह हम जब इसे प्याज़ और लहसुन अदरक के इसमें भून रहे हैं तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और इसकी महक भी ख़त्म होने को है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच हल्दी और इसके बाद डालेंगे 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, मैंने यहाँ पर 1 चम्मच डाला है। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे, नमक और हल्दी को मूंग के एक एक ज़र्रे में सब तरफ फैला देंगे। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ढक के रखेंगे 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। 5 मिनट हो गए हैं, अब हम खोल के चेक करते हैं। देखिए, माशाल्लाह अच्छी भाप जमी है और अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब हम इसे फास्ट फ्लेम पर 2 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि हमारी भी सब्ज़ी अच्छी तरह गल जाए और पक जाए। अब हम इसमें डालेंगे 3 से 4 टमाटर ली हूँ मैंने बारीक कट करके, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, मगर इतने टमाटर तो इसमें डालेंगे तब सब्ज़ी अच्छी टेस्टी बनेगी। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच लाल मसाला। यहाँ पर आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो तीखे के लिए भी, और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे किसा हुआ नारियल, अगर आपको नारियल पसंद नहीं है तो आप इसे मत डालिए, हमें अच्छा लगता है इसके लिए हम लोग डालेंगे, ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर हम थोड़ा सा नारियल डालेंगे किसा हुआ, बहुत ही टेस्टी लगती है सब्ज़ी इसकी वजह से, बहुत लोग नारियल नहीं खाते तो आप समझ गए ना, ये ऑप्शनल है, अगर डालना है तो डालिए या मत डालिए। और इसे अच्छी तरह मिक्स करके अब हम इसमें 1/2 ग्लास पानी डालेंगे ताकि हमारी सब्ज़ी अच्छी तरह अंदर से भी पक जाए भाप में, और तमाम चीज़ें जो हमने डाली है टमाटर नारियल वगैरह वो भी अच्छी तरह पक जाए। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। और प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल दोस्तों, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, मेरे सब्सक्राइबर भी बहुत कम हैं और मेरे व्यू भी बहुत कम आते हैं वीडियो पे, तो प्लीज़ सब सपोर्ट कीजिए मुझे। अब हम इसे ढक के पकाएंगे, गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे, 15 मिनट के लिए हम इसे ढक के पकाएंगे। 1/2 ग्लास पानी हम थाली के ऊपर डालेंगे ताकि सब्ज़ी में जो 1/2 ग्लास पानी डाले थे और ये 1/2 ग्लास दोनों मिलके सब्ज़ी अच्छी तरह भाप में पक जाए। देखिए, 15 मिनट के बाद हम मिलते हैं। देखिए, 15 मिनट हो गए हैं, मैंने खोल के चेक करी हूँ, आपको दिखाती हूँ सब्ज़ी पकी या नहीं। देखिए, आसानी से टूट रही है सब्ज़ी, यानी सब्ज़ी अच्छी तरह पक गई है और बहुत टेस्टी सब्ज़ी है। दोबारा तोड़ के दिखा रही हूँ, देखिए नरम हो गई है अच्छी। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। अब हमारी सब्ज़ी पक गई है, अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे
मिक्स करके ढक के रखेंगे और थोड़ी देर से मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ठीक है, गैस का फ्लेम बंद कीजिए। अब हमारा मूंग सब्जी की सब्ज़ी खाने के लिए तैयार है, तो आइए बिस्मिल्लाह कीजिए। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी सब्ज़ी है, हेल्दी भी है। इसे खा के हमें बहुत ताकत भी मिलती है, प्रोटीन विटामिन्स तो मिलते ही है। बच्चे भी हमारे घर में बहुत शौक से खाते हैं मूंग की सब्ज़ी। अगर आपको इसे थोड़ा ग्रेवी टाइप बनाना है तो आप आधा ग्लास के बदले 1 से 2 ग्लास पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरह पकाएंगे, तब हमें दाल बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी ही अच्छी लगती है सब्ज़ी, मगर बहुत लोग सब्ज़ी सूखा खाना पसंद करते हैं, तो इसके लिए मैंने आपको ये तरीका बताई हो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी मूंग की सब्ज़ी कैसी बनी और जड़ फूटी कितने दिनों में। ठीक है, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।